बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट यह है कि सऊदी अरेबिया यानी कि रियाद शहर से एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया है। इसने भाई 9 मुकदमात में 97,000 के करीब रियाल यानी कि 1,00,000 रियाल ही बोल रहे हैं आप, गैर मुल्कियों से लूटा है। यानी कि जो गैर मुल्की सऊदी अरेबिया में मुकीम है उनसे इसने लूट मार की है 1,00,000 रियाल की। अभी ये पकड़ा गया है। इसकी वीडियो भी आप भाइयों के साथ यहां पर शेयर कर देता हूं। अच्छा, ये बंदों को लूट कैसे रहा था ये भी आप भाइयों को बता देता हूं। आपने देखा होगा पहले, आप में से बहुत से भाइयों को अक्सर अभी भी काले आती होंगी कि आपका 2,00,000 रियाल का इनाम लग गया है। उसके बाद ये ट्रेंड चलाया गया था कि भाई आपका ATM कार्ड आप अपडेट करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। जब आपसे भाई उसका पिन कोड वगैरह, आपका कार्ड नंबर वगैरह पूछ लिया जाता था, उसके बाद से आपके कार्ड में जितने पैसे होते थे वो निकाल लिए जाते थे। उसके बाद अभी ये एक नया ट्रेंड चला दिया गया, यानी कि एक दफा मेरे साथ खुद से ये वाकया पेश आ चुका है। मैं और मेरा एक दोस्त दोनों मौजूद थे। हमारे पास एक बंदा गाड़ी में आया, बोलता है कि इधर कहीं से चर्च वगैरह मिलती है। तो हमने उसको बोला भाई इधर कहीं से नहीं मिलती है, ना हमने कहीं देखी है। तो बोलता है ये ममनू है, ऐसे वैसे है, तुम लोग तो पीते नहीं हो ना तो बेचते हो। मैंने बोला हम ना पीते हैं ना बेचते हैं। उसने बोला अपनी तलाशी दे दो। हमने बोला अभी तलाशी देने में क्या हर्ज है, हमने वैलेट उस अपने, वो बोलता है पैसे निकाल लो। पैसे निकाल लिए, इकामा निकाल लिया, उसको वैलेट दिखाए, उसने ऐसे चेक किए। वो दूसरा जो मेरे साथ वाला लड़का था, इंडियन था, उसका 1900 रियाल वैलेट के अंदर ही था, कहीं साइड पर उसने रखा हुआ था। असल उसने पेपर निकाला है उसका, जो बैंक से उसने पैसे भेजे थे वो चेक किया, उसके नीचे से ही उसने उसका 1900 रियाल भी निकाल लिया है। अच्छा, जब वो गाड़ी लेकर चला गया, उसके बाद जब हमने वो उसका पर्स चेक किया, वो बोलता मेरे भाई 2000 यानी कि 1900 रियाल भी वो ले गया है। सऊदी अरेबिया में ऐसे हाथ की सफाई भी बहुत की जाती है। और ये बंदा, इसकी वीडियो भी यहां पर आपको मैं चलाकर दिखा रखा हूं, ये भी गैर मुल्कियों को रोकता था, उनसे पूछता था कि इकामा किधर है तुम्हारा। वो बोलते थे मेरा इकामा मेरे पास है, उनको बोलता था इकामा दिखाओ। जब इकामा देखता था आगे दो चार बातें और करता था, उनके हाथ ऊपर करवा लेता था, अच्छे से तलाशी वगैरह लेकर पैसे वगैरह निकाल लेता था। उसके बाद ही उनको डरा धमका कर भाई बोलता था जाओ इधर से। जब ये किसी CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसके बाद ही इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उसे पकड़ा गया है। 9 मुकदमात में 1,00,000 के करीब रियाल ये गैर मुल्कियों से अभी तक लूट चुका था।